नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले की पहचान कही जाने वाली लाखा बंजारी झील और मुख्य बस स्टैंड के आसपास इन दिनों शराबियों का अड्डा बन चुका है, जिसकी वजह से शहर की सारी गंदगी और शराबियों का पूरा मखमा वहीं पर बैठकर शराब पीता है और शहर को गंदा करने का काम करता है। इसकी तरफ घटिया राजनीति की वजह से ना तो शासन प्रशासन को कोई ध्यान जाता है, ना राजनैतिक गलियारों के नेताओं का। ऐसे में सागर जिले के जागृत युवाओं के संगठन, जो लगातार पिछले 6 महीने से सागर को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की मुहिम से जुड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं हम हैं इंसान के सदस्यों की। उनके द्वारा लाखा झील के साथ साथ ही बस स्टैंड परिसर को एक बार पुनः साफ सुथरा करने की कोशिश की। आपको बता दें कि बस स्टैंड को पूर्व में भी इस संगठन के द्वारा एक बार साफ सुथरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद शासन प्रशासन का किसी प्रकार से ख्याल नहीं रखे जाने की वजह से स्थितियां एक बार फिर से बदतर होती देखी। तो एक बार फिर से हम हैं इंसान संगठन के सदस्यों ने बस स्टैंड को साफ सुथरा करने का बीड़ा उठाया। लेकिन इसके साथ ही देश दुनिया में कोरोना के बढ़ रहे खतरे की वजह से हम हैं इंसान टीम के सदस्यों के द्वारा नगर के निवासियों से आह्वान ना करते हुए स्वयं के द्वारा श्रमदान करके हर रविवार की तरह इस रविवार लाखा झील के साथ ही साथ बस स्टैंड को साफ सुथरा करने की मुहिम से जुड़ा गया और बस स्टैंड को साफ सुथरा किया गया। आपको बता दें कि लाखा बंजारा पार्क और मुख्य बस स्टैंड की हालत बस से बदतर हो चुकी है। यहाँ आए दिन शराबी बैठकर शराबखोरी करते हैं और शराब पीकर शराब की बोतलें, पानी पाउच और अन्य गंदगी पार्क में ही फेंक कर चले जाते हैं। शराबियों और असामाजिक गतिविधियों के कारण यहाँ आम जनमानस का पार्क में आना जाना लगभग बंद हो चुका है और पार्क की बेंचें भी पूरी तरह बेकार होकर टूट चुकी हैं और गंदगी पॉलीथीन से पार्क परिसर पटा पड़ा है। बस स्टैंड के अंदर आवारा पशुओं ने डेरा डाल रखा है। विज्ञापन पोस्टरों ने दीवारों को गंदा कर दिया है, जिससे यात्रीजनों को काफ़ी असुविधा होती है। विगत 6 माह से संगठन हम हैं इंसान द्वारा पार्क का रंगरोधन और पार्क के मरम्मत का कार्य स्वयं के खर्चे पर किया गया था। इस अभियान के बाद आम जनता को लगा कि अब इस पार्क का कायाकल्प और निगरानी के लिए प्रशासन की ओर से नजर जाएगी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया। गौरतलब है कुछ समय पहले निगरानी समिति द्वारा 20 लाख की राशि निगम को स्वीकृत की गई थी, परंतु अब तक निगम द्वारा टेंडर जारी नहीं किया गया और आज 6 माह बीतने के बाद भी बस स्टैंड पर जिम्मेदारों की कोई नज़र नहीं है। शासन प्रशासन की उपेक्षा को देखते हुए इस टीम ने लगातार सफाई की मुहिम से जुड़े रह करके एक बार फिर से पार्क को साफ किया। ग्रुप के सदस्य शिवम श्रीवास्तव ने बताया कि बस स्टैंड शहर का आईना होता है और स्वच्छता की दृष्टि से अपना स्टैंड बेहद बुरा है। 5 माह पहले जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा लिखित ज्ञापन के माध्यम से सुझाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। निगम प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस एवं संक्रमण बीमारियों से बचने के लिए भी स्वच्छता का होना अति आवश्यक है। आम जन से अपील है कि अपने शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना अहम योगदान दें। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? ये हमें इंसान टीम की तरफ से मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सहयोग करें। ये शहर अपना है, हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं। तो आप सब जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, ये शहर अपना है, इस बात को समझें। और खासकर बस स्टैंड हमारे शहर का आईना होता है, उस बस स्टैंड को अच्छा बनाने में, सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें और सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें। धन्यवाद। आज के अभियान का उद्देश्य क्या है आप लोगों का? पिछले 6 महीने पहले हमने यहाँ पर अपना अभियान लगाया था, जिसमें हमने यहाँ पे रंग रोगन किया था दीवारों को और इस पार्क को पूरा नए सिरे से, इसके गड्ढे भरे थे, बेंचों को भी सुधार करने को हमने कोशिश की थी। लेकिन 6 महीने के बाद भी आज जब हम यहाँ फिर से आए अपना अभियान शुरू करने, तो हमने देखा कि यहाँ हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था प्रशासन के द्वारा, यहाँ शराब की बोतलें डली थी, यहाँ पर गंदे पानी पाउच और काफ़ी ज़्यादा गंदगी पड़ी थी यहाँ पर। और हमने कम से कम यहाँ से 8 बोरी से ज़्यादा गंदगी शराब की बोतलें फेंकी हैं अभी, और देखा हमने कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, जिसको आज हमने पूरा हमारी टीम ने साफ़ किया।
प्रशासन से किस तरीके से सहयोग चाहते हैं आप लोग? प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो काम हम लोग पहले यहाँ करके गए थे और यहाँ आके देखा तो वापस वैसे ही स्थिति खराब थी, तो प्रशासन से सब इतना सहयोग चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं वो हमेशा बरकरार रहे, अच्छा साफ सुथरा बना रहे। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।